जर्नी शुरू हो चुकी है इंडिया टू पाकिस्तान बॉर्डर तक जाने की। इंडिया के लास्ट रेलवे स्टेशन खेम करने से और काफ़ी ज़्यादा खुशी सी हो रही है। और अपना DMU है वो अपने रैक्स को लेकर पहुंच गया है यहाँ पर और हम भी इसमें आए हैं लास्ट। ये बगल में ट्रैक्टर चल रहा है और ये भाई प्लेटफॉर्म है भाई, यहाँ से मिलती है टिकट। इसके स्टेशन के बाहर आ गए हैं और बाहर पर देखो यहाँ पर कैसा सीन है। हेलो सब गाइस, क्या हाल है भाई, स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। बट थोड़े टाइम के बाद, टाइम मतलब 1 मंथ या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन आज हम लोग बहुत खास जर्नी करने वाले हैं। आज हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर तक जर्नी करेंगे इस अमृतसर रेलवे स्टेशन से। ये पीछे मेरे देख सकते हो, ये पूरा अमृतसर रेलवे स्टेशन है और हम लोग आज जर्नी करने वाले हैं अमृतसर खेमकरन एक्सप्रेसवे तो नहीं है, DMU है। DMU के अंदर हम लोग ट्रैवल करेंगे और ये है रेलवे स्टेशन अमृतसर का। यहाँ से खूबसूरत सी जर्नी करते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक की, काफ़ी खूबसूरत होने वाली है, तो वीडियो को भाई एंड तक जरूर देखें। और ये हमारे साथ जाने वाले हैं भाई साहब, इनका नाम है पुनीत। साथ हम लोग आज ट्रेन जर्नी करने वाले हैं जो कि लगभग 80 से 90 किलोमीटर की होने वाली है, इतनी ही होगी, ज़्यादा नहीं है। और ये अप डाउन करती है, सुबह 9:15 पर चलती है अमृतसर से और वहाँ पर आपको 1 घंटे के लगभग पहुँचा देती है। मिलेगी आपको इधर से जो पर हेड है वो है 45 रुपीज़। जो मेन रेलवे स्टेशन है वो देखो उधर की साइड है, बट अपन इधर से जाएंगे और वो है भाई सामने उधर एंट्रेंस। ऐसे करके टिकट मिलेगी 90 रुपये की अमृतसर टू खेमकरन इधर से। अभी चलते हैं भाई ट्रेन ढूंढने के लिए, ट्रेन पता नहीं कहाँ पर लगेगी। 8:53 हो गया टाइम, 9:15 पर अपनी ट्रेन है। सो गाइस, अमृतसर रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद आपको 45 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से टिकट लेनी है। हम तो दो हैं तो 90 की पड़ी है और लगभग 80-90 किलोमीटर जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे चलती है। अब ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ना तो ऑनलाइन शो करता है और ना ही अपने दूसरी जो वहाँ पर बोर्ड लगा रहता है, टेलीविज़न बड़ी सी स्क्रीन लगी रहती है स्टेशन पर, ना वहाँ पर शो करा। सो आप लोग चेक कर लेना, वहाँ पर इंक्वायरी रूम में जाके पूछ लेना। बाकी अभी तो 7 नंबर से ही चल रहा है। काफ़ी खूबसूरत सा इधर शांत सा प्लेटफॉर्म है और जो मेन है भाई वो उस साइड है। बट लेकिन ये एक है कि मतलब इसकी टाइमिंग का थोड़ा दिक्कत है क्योंकि ये लोकल ट्रेन है। सो मैंने इसका चेक किया, कभी कभी ये जैसे 1 घंटे का रास्ता है तो मतलब 10-11 बजे पहुंचनी चाहिए, ये 1-1 बजे भी पहुंचती है। सो दिक्कत ये है कि टाइम पे पहुंच जाए। बाकी आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है लेकिन ह्यूमिडिटी से भाई जान निकली जा रही है अमृतसर में, पंजाब के अंदर। सोचो बारिश पड़ी थी ना 2-3 दिन पहले, तो बुरी हाल थी। बाकी अपनी ट्रेन है जो इस पे आएगी, ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है और अपनी तो भाई DMU है जो कि लोकल है भाई, डीजल लोकोमोटिव ही होगा यहाँ तक मेरे को लग रहा है क्योंकि बॉर्डर के पास है। और खेमकरन के बारे में मैं बता दूँ, पहले ये लाहौर के अंदर हुआ करता था, लाहौर डिवीज़न में से इसको निकाल दिया क्योंकि पार्टीशन हो गया था 1947 में। सो पार्टीशन होने के बाद इसको अपने पहले अमृतसर के अंदर, अमृतसर जो डिस्ट्रिक्ट थी उसके अंदर इसको मर्ज किया गया आफ्टर पार्टीशन विथ पाकिस्तान, आफ्टर मतलब 1947 के बाद। सो फिर उसके बाद उसमें से अमृतसर में से तोड़ के तरन तारण एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी पंजाब की। सो बाद में उसके अंदर इसको जोड़ दिया गया। सो अभी के फ़िलहाल टाइम में इंडियन पंजाब के ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और वहाँ से कसूर जो रेलवे स्टेशन है वो वहाँ से 10 किलोमीटर रह जाता है। शहर है जो कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का, पहले ट्रेन चलती थी यहाँ से कसूर को, बट अब नहीं चलती, अब तो बंद कर दिया है। सो वहाँ पर भी बॉर्डर तक जाने की कोशिश करेंगे, वैसे तो जा नहीं पाएंगे इतना मेरे को पता है। वहाँ पर दी एंड है, मतलब पटरी आपको वहाँ से जैसे ये दिखती है ये तो मिली मिली सी, बाकी वहाँ पर ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई सेम ही जा रही है ट्रेन एज पटरी, मतलब पटरी का एंड देखने को मिलेगा आज पाकिस्तान बॉर्डर के पास। और मैं तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये भी जा रहा है मेरे साथ ये तो। चलो वीडियो को एंजॉय करना, देखना इंडिया टू पाकिस्तान तक का सफ़र, मतलब बॉर्डर तक ही जाएंगे, पाकिस्तान तो जाने नहीं वाले अभी। और कभी कभी हवा भी अच्छी चल जाती है बीच में और वीडियो क्वालिटी पे थोड़ा सा एडजस्ट करना, गोप्रो वोप्रो अभी ले नहीं रहे। अपनी DMU आ गई है और धीरे धीरे से मस्त तरीके से बढ़ती हुई आएंगे और ये लगेगी और ये हमको लेके जाएगी खेमकरन।
ट्रेन तो भाई आ गई है और मेरे को लगा था ये इधर की साइड जाएगी, लेकिन ये खेमकरन से अभी आई है, सो ये वापिस से बैक चले आएगी खेमकरन की साइड। तो करते हैं इसके अंदर जर्नी स्टार्ट और लेते हैं लुफ्त खेमकरन तक का। तो इसके अंदर बैठेंगे भाई ये वाले के अंदर, जिसका कलर भी ब्लैक एंड वाइट सा दिख रहा है। आगे रेड कोचेज हैं DMU के, इधर ऑरेंज हैं और पीछे जनरेटर कार लगी हुई है। सो भाई चलो भाई एंटरिंग DMU। सो भाई ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं ऐसे DMU के अंदर ट्रेवल करूँगा। वाह हम या आज मजे आएंगे, आज भाई साहब फुल नज़ारे आने वाले हैं इस जर्नी के अंदर, मजे लेना भाई फुल। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। तो भाई हॉन्क दे दिया ट्रेन ने और 9:17 पे निकल गई है और 15 पे ये आती है रेलवे स्टेशन पे। सो भाई शुरू हो गया अपना सफ़र और पीछे भी भाई एक ट्रेन है, मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट गाजियाबाद का जो शेड है लोकोमोटिव बोर्ड लगा हुआ है। बाकी अपनी ट्रेन देखो यार क्या जा रही है मज़े से। सो भाई जर्नी शुरू हो चुकी है इंडिया टू पाकिस्तान बॉर्डर तक जाने की खेमकरन। यहाँ से कसूर 10 किलोमीटर रह जाता है और कसूर की भाई जूती बहुत फेमस है, पंजाबी बोलते पंजाबी जूती ले दे, जूती बड़ी फेमस है भाई साहब कसूर की। वो रह गया अपना अमृतसर रेलवे स्टेशन का भी पीछे, छोड़ दिया हमने स्टेशन को अभी, इसमें कम से कम नहीं तो 8 से 9 स्टेशन आएंगे, फिर उसके बाद अपना जो लास्ट रेलवे स्टेशन है वो आएगा। भाई साहब अभी आपने देखा क्या ही तेज रफ्तार पकड़ ली थी ट्रेन ने और अभी भी चली रही है तेज तेज, लेकिन हम लोग आनंद लेते हुए जा रहे हैं। वाह यार भाई कंट्री साइड देख लो पंजाब की कैसा है। भक्ता वाला रेलवे स्टेशन शायद से आ गया है, तभी स्लो हो गई है। इसका फर्स्ट हॉल्ट आ चुका है और भक्ता वाला है इसका हॉल्ट, और ये क्रॉसिंग पार करते ही अपना फर्स्ट हॉल्ट आ जाएगा। भीड़ देखो कितनी है, ये सारी इसी ट्रेन में लदने वाली है यहाँ तक मेरे को लग रहा है। अगर इसमें लद गई है दब दब के जाना पड़ेगा भक्ता वाला। ए लदेगी हुण तो, ए हुण चढ़ूगे सारे इत्थे ही, ए लदनी है इत्थे हुण, ए आगे आगे छाला मार के पूरी भाई साहब। सो
तो भाई आपने देखा कि कैसे भाई इसके अंदर ट्रेन में लोग चढ़े, लेकिन हमारे वाले कोच में कोई नहीं आया अभी भगवान की कृपा से। बाकी यहाँ से भी फर्स्ट हॉल्ट था इसका, 2 मिनट या 1 मिनट खड़ी होगी और जितनी भीड़ थी सारी ट्रेन के अंदर ही है। और यहाँ से डिपार्चर हो गया भाई, 1-2 मिनट रुकी है यहाँ पर और इसका हॉल्ट मतलब 2 मिनट का ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि छोटे छोटे से रेलवे स्टेशन है अभी। और ये वाला स्टेशन था भक्ता वाली नहीं है, चलो कोई नहीं, स्त्रीलिंग पुरलिंग होता रहता है। अभी इसके बाद 9 रेलवे स्टेशन अभी और आने हैं, तो आप लोग सोच सकते हो 80-90 किलोमीटर के दायरे में इतनी सारे रेलवे स्टेशन अभी आने हैं। वाह, ये शायद से यहाँ पर मालगाड़ी वगैरह खड़ी होती होगी, तो उसका सामान वगैरह इसके अंदर रखते होंगे, स्टोर करते होंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। लेकिन इसमें तो तबेला सा लग रहा है, जैसे तबेला बन गया होता है। क्या ही सीन हो गया है। वो लगता था दिल्ली के अंदर ही कूड़े के पहाड़ हैं, लेकिन भाई पंजाब के अंदर भी हैं। वो अभी पीछे निकल गया, बहुत सारा नहीं दिखा था। सो भाई इसका नेक्स्ट और सेकंड हॉल्ट है तरन तारन, ये काफी ज्यादा फेमस है और इसका जो कोड है वो है TTO। और यहाँ पर भाई श्री तरन तारन साहिब जी जो गुरुद्वारा है दरबार साहिब, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस डिस्ट्रिक्ट का, और ये शहर है एक समान समझ सकते हो आप। और मेरे हिसाब से यहाँ का सबसे बड़ा सरोवर है पूरी इंडिया में, जो नेचुरल पॉन्ड रहता है, नेचुरल तो नहीं आर्टिफिशियल ही रहता है। तो गुरुद्वारे का आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा विद सरोवर के साथ फ़ोटो। रेलवे स्टेशन यानी कि हॉल्ट आया है अभी इस रूट पे, जो कि अमृतसर टू खेमकरन जाता है, और ये पट्टी करके एक स्टेशन है और ये काफ़ी बड़ा है। और इससे पहले जो केरान करके कुछ था वो भाई इस साइड नहीं आया था, रेलवे स्टेशन वो उस साइड था, वो उधर से यार ध्यान में नहीं रहा, वो निकल गया, मैंने देख भी नहीं पाया। छोटे छोटे देना, बट ये थोड़ा सा बड़ा रेलवे स्टेशन है, पट्टी इसका नाम है भाई। 5th है, मतलब अभी 4 और बचे हैं हमारे जो हॉल्ट आने हैं इस रूट के अंदर। और शांति भाई इधर काफ़ी ज़्यादा है, और सारा ये डीजल लोकोमोटिव वाला रूट है, यहाँ पर कोई दूसरा रूट नहीं है, इलेक्ट्रिक बंद है यहाँ पर। भाई यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल इशू था, तो थोड़ी देर खड़ी थी, बाकी पट्टी से डिपार्चर अपना हो गया है। और भाई सोचो कभी यहाँ से भाई पाकिस्तान की तरफ, कसूर की तरफ ट्रेन चलती थी 1947 से पहले, बट आज की डेट में सिर्फ इंडिया की साइड से तो भाई चलती है वहाँ तक, और उनकी साइड से कसूर तक चलती है। और जा रहे हैं भाई साहब, क्या खूबसूरत ही जर्नी है अपनी। और यहाँ पर भाई कोई इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन की नहीं गई है, कि जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये जैसे रूट है तो इसके ऊपर कोई जैसे तारें वगैरह कोई नहीं लगी हुई, तो इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। डीजल लोकोमोटिव चलते हैं या फिर कोयले वाली जो भी होती हैं वो चलती हैं, कोयले वाले तो जमाने गए, लेकिन डीजल वाले लोकोमोटिव हैं वो अभी भी खींचा फिर रहे हैं, और अभी चल रही है DMU। सो इसके बाद 4 रेलवे स्टेशन और आएंगे, फिर अपनी मंजिल आ जाएगी खेमकरन। बाकी धीरे धीरे भाई सफ़र अपना बढ़ता हुआ अपनी मंजिल की तरफ। फिर से ये स्टेशन निकलने वाला था, लेकिन इतने छोटे छोटे स्टेशन है भाई, कुछ दिखता एकता तो है नहीं है। ये था भाई भोपाल आए रेलवे स्टेशन।
मेरे को लगा उधर उधर की साइड आएगा, लेकिन उधर फिर नहीं आया। और ये छोटे इतने हैं कि दिखते भी नहीं है, गांव ही लगता है पूरा का पूरा। अभी यहाँ से डिपार्चर हो गया है, अभी आए थे अभी निकल गए, एक मिनट खड़ी होगी। और भाई देखो इसमें पैड ही लग रही है, यानी कि छोना पंजाबी में पंजाब साइड बोल देते हैं। सो भाई इसका सेकंड लास्ट रेलवे स्टेशन आ गया, जो इसका हॉल्ट है, यह है रातौक गुरुद्वारा। यहाँ से थोड़ा दूर है, बाकी यहाँ पर पैसेंजर काफ़ी उतर जाएंगे। बिल्डिंग्स वगैरह देखो, ये सारी रेलवे डिपार्टमेंट के अंडर ही आया करती थी किसी टाइम में, अभी भी आती हैं, पर उस टाइम ये सारा जो था वो रनिंग कंडीशन में था। अभी देखो सारा कैसा हो गया, खंडर जैसे भूतिया बन गया पूरा रेलवे स्टेशन। और स्टेशन के नाम पे यहाँ पर प्लेटफॉर्म तक भी नहीं है, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना पीछे है अभी ये वाला रेलवे स्टेशन का। ये वाला रूट में तरन तारण के आगे कुछ नहीं है यहाँ पर। गुरुद्वारा यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर होगा, उसी के ऊपर ये स्टेशन का नाम रखा हुआ है। काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है, बॉर्डर के पास है ना, इस चक्कर में। वाओ, अभी भाई पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा दिल में दुख दुख भी हो रही है। अभी इसके बाद रेलवे स्टेशन जो आएगा अपना वाला आएगा, स्टेशन मेन है जो खेमकर्न, उसके आगे ट्रेन जाती नहीं है, वहाँ से ये यू टर्न ले लेगी। ये टर्न क्या लेगी, उसमें है ही आगे पीछे है। सो भाई लास्ट गांव, वाओ खेमकर्न आ गया अपना। ये छप्पर देखो भाई कितना बड़ा, छप्पर नहीं छप्पड़ पता नहीं जो भी बोलते हैं, पॉन्ड है ये, पानी भरा हुआ है। यहाँ से पाकिस्तान सिर्फ 10 किलोमीटर के 8 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब बॉर्डर है जो। पहुंच गई पंजाब और इंडिया। उतरोगे? ओए तू ले यार खाला तू। तो भाई स्वागत करते हैं आप सभी का, वीडियो वही है लेकिन इंडिया के लास्ट रेलवे स्टेशन खेम करने से। और काफ़ी ज़्यादा खुशी सी हो रही है, और अपना DMU है वो अपने रैक्स को लेकर पहुंच गया है यहाँ पर, और हम भी इसमें आए हैं। लास्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का, इसके आगे अगर 8 किलोमीटर और जाएंगे तो भाई पड़ता है कसूर। 8 किलोमीटर चले जाएंगे तो कसूर पड़ेगा, तो वहाँ तो हम जा नहीं सकते, बॉर्डर है। बाकी ये है रेलवे स्टेशन खेमकर्न, और ये DMU खड़ा हुआ है अपना, और इसके अंदर होंगे कम से कम 8 से 10 रैक्स लगे होंगे, कोचेस लगे होंगे। और ये अपना बन गया रैक, 8 से 10 रैक तो एक ही है, मतलब उसमें कोचेस हैं जो काफ़ी लगे हुए हैं। और पूरी ट्रेन यहाँ पर डिबोर्ड कर गई है, यहाँ पर सारे लोग उतर गए थे, और उतरने के बाद दोबारा से इसमें चढ़े भी हैं काफ़ी लोग यहाँ से। और शायद से हम लोग घूमेंगे, नहीं घूमेंगे तो भाई यहाँ से हम लोग इसी ट्रेन में बैठ के वापस अमृतसर चले आएंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलती है तो समझ लेना हमने घूमा था, और नहीं मिलती है तो समझ लेना हम लोग अमृतसर पहुंच गए थे।
इसी ट्रेन से, क्योंकि इसके बाद यहाँ से ये ट्रेन एक तो अभी जाएगी क्योंकि आई है, फिर जाएगी भी, फिर उसके बाद ये रात को जाएगी 8:30 बजे के करीब में, और फिर हम नहीं 8:30 कितने बजे, हाँ इतने ही बजे जाती है, और उसके बाद फिर टाइम लग जाएगा, तो इस चक्कर में ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो वाला काफ़ी थोड़ा ठीक ठाक भी लग रहा है, वैसे जो उससे पहले थे उसमें तो भाई प्लेटफॉर्म के नाम पर कुछ भी नहीं था, ये वाले पे तो प्लेटफॉर्म तो है कम से कम। वाह, ओए इधर फोटो खींचनी है, और तो खींचनी है, ऐ तो टिकट भी मिल जाती नहीं। वाह, लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया खेम करन, कहा सर तो अगे भी ट्रेन जाती, फिर तो नहीं आ रही आने, आई बाहर दी चल के देखिए। अच्छा टिकट इधर से मिलेगी, बुकिंग विंडो ओपन, 10-20 अभी चपा ली, वो खाला दूं मैं नहीं खानी, क्यों दूंगा नहीं खानी। वाह भाई यहाँ से मिलती है टिकट, कितना पुराना, जैसे पहले के टाइम में जैसे हुआ करता था वैसे ही सीन है यहाँ पर। भाड़ा सूची, फेयर लिस्ट वगैरह यहाँ पर ये पुराने ही शायद से लिखा हुआ है, और ये रेलवे विंडो है। अभी इसके स्टेशन के बाहर आ गए हैं, और बाहर पर देखो यहाँ पर कैसा सीन है, बिल्कुल गांव वाला सीन है यहाँ पर, भैंसें बंधी हुई थी, गैया वगैरह, ये छप्पर, अभी हमारी ट्रेन चलने वाली है तो शायद हम इसी में बैठ के दोबारा से जा रहे हैं। और ये अपना कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन दिखता है यहाँ से बाहर से, विंडो वगैरह इसमें यहाँ पर जहाँ से खिड़की है, यहाँ से टिकट वगैरह लेते हैं, वो भी पुराने टाइप का ही है, और बिल्कुल छोटे छोटे से मतलब ऐसे विंडो हैं, उसके अंदर से टिकट वगैरह ले सकते हैं, ऐसा कुछ सीन है। और होप करते हैं आपको जर्नी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगली बार इसको दोबारा से घूमेंगे, दोबारा आ जाएंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अभी चलते हैं दोबारा से अमृतसर, क्योंकि मेरा आधार कार्ड है जो वो गोल्डन टेम्पल में रह गया है, देखते हैं अभी जो भी होगा।